मातम की तस्वीरें साल 2020 की हैं, जब कोविड जैसी महामारी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ले ली थी। सूनी पड़ी सड़कें, बंद बाजार, अस्पताल में क्षमता से चार गुना ज़्यादा भरे लोग और कब्रिस्तान, शमशान घाट के बाहर लगी लाशों की लाइनें। चीन में फैली इस जानलेवा बीमारी के सदमे से जैसे तैसे दुनिया बाहर निकली ही है कि एक बार फिर एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। चीन में ये बीमारी बच्चों में तेजी से फैल रही है। इससे भारत को कितना असर हो सकता है, जानते हैं आज के विंध एक्सप्लेनर में। चीन के उत्तर में एक प्रांत है लियोनिंग, जहां से फैल रहे रहस्यमयी निमोनिया ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। चीन में अब तक 77,000 बच्चे इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अस्पतालों में बच्चों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। निमोनिया में बलगम या बिना बलगम वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दिक्कत जैसे कई लक्षण होते हैं, लेकिन चीन में फैली इस बीमारी में बच्चों के फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी और बुखार जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजिंग के स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस भी काफ़ी कम हुई है। बीमार होने पर बच्चों को कम से कम 7 दिन तक स्कूल ना आने और पेरेंट्स को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। चीन में लोगों को मास्क पहनने, तबीयत खराब होने पर घर में रहने और लगातार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है। आखिर चीन ही क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी बीमारी की शुरुआत चीन से ही क्यों होती है? चीन या फिर किसी दूसरे एशियाई या अफ्रीकी देशों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से इन देशों में लोग जानवरों से ज़्यादा करीब रहते हैं, जिसकी वजह से पशुओं की बीमारियां इंसानों में तेज़ी से फैल रही हैं। अगर चीन की बात करें तो वहाँ के बाज़ारों में कच्चा और अधपका मांस काफ़ी मात्रा में बिकता है। सभी तरह के मांस को एक साथ रखने की वजह से उनके वायरस तेजी से इंसानों तक पहुंच जाते हैं। चीन में सांप और चमगादड़ का मांस भी बिकता है। चीन में फैले कोरोना के कई रिपोर्ट में चमगादड़ों को ही जिम्मेदार बताया गया है, हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि अब तक नहीं की है। चीन में ऐसा क्या हुआ जो नई बीमारी फैल रही है? चीन की अथॉरिटी और हेल्थ एक्सपर्ट इस बीमारी को लॉकडाउन एग्जिट वेव टर्म से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि चीन में लंबे समय तक कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा और सभी घरों में बंद रहे, अब तक बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकाला गया था, जिससे उनकी इम्यूनिटी प्रभावित हो गई। हालांकि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट इसे चीन में बढ़ती सर्दी का असर भी बता रहे हैं। अब जानते हैं कि ये कितना जानलेवा है। पूरी दुनिया इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं ये बीमारी जानलेवा तो नहीं। इस बीमारी को लेकर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन से पूरी जानकारी मांगी और बताया कि अब तक इस बीमारी को लेकर कोई चिंताजनक बात सामने नहीं आई है। हालांकि कोविड के दौरान WHO और चीन पर बीमारी से जुड़ी जानकारी और डाटा छिपाने के भी कई आरोप लगे थे। अब जानते हैं कि भारत में इसकी क्या तैयारियां हैं। भारत में इस बीमारी को लेकर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इस वायरस के से हमारे भारत में फैलने का खतरा काफ़ी कम है। हालांकि मंत्रालय इस बीमारी पर नज़र रख रही है और इस वायरस से जुड़ी किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार है। अब इसमें आपको क्या करना है? इस तरह की किसी भी बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए पेरेंट्स खास ख्याल रखें, घर में साफ सफाई बनाए रखें, बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रखें, उन्हें मास्क लगाकर ही घर से बाहर भेजें, बच्चों की डाइट में वो सभी चीज़ें शामिल करें जिससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहे।